एकदम कैसा साल रहा? बहुत बढ़िया। देवभूमि में आपसे मुलाकात हुआ था। अभी हम लोग को जाना है और नहीं आप जा पाएगा। अभी एक ही प्रॉब्लम है, आपका पूरा खर्चा में इजाफा। स्वागतम आशा पर मुख्यमंत्री स्वागतम 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 मुख्यमंत्री स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। पैदल जाना है क्या? राहुल नहीं सर, धीरे 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 जिंदाबाद। स्वागतम 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 हिंदू सम्मत विश्व सम्मति स्वागतम 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 विश्व स्वागतम 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 विश्व सम्मति स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। स्वागतम 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 जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत विश्व शर्मा जी स्वागतम 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 हेमंत विश्व शर्मा जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 हेमंत विश्व शर्मा 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 हेमंत विश्व शर्मा 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 जिंदाबाद 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 स्वागतम स्वागतम हिंदू सम्मान स्वागतम 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 नेता विश्व शर्मा जी स्वागतम आपका नाम गुरु मोबाइल दिले एक सेल्फी हो जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार MSP 3,100 रुपया देता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डरिंग स्टेट है। उड़ीसा का जनता को भी MSP 3,100 रुपया मिलना चाहिए। ऐसा लोगों में माहौल है, कितना है नहीं है ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पूरा भारत में सरसा है कि इस बार उड़ीसा में बहुत ही गजब होने वाला है। डबल इंजन सरकार उड़ीसा में बनना है, ये पक्का हो चुका है। भाइयों और बहनों, अभी मैं 2 सभा किया उड़ीसा में, लोगों को राम मंदिर लेके भी बहुत उत्साह है। जहां भी मैं जा रहा हूं लोग बोल रहे जय जय श्री राम। तो मेरा ये मानना है, असम में जब चुनाव चल रहा था असम में भी श्री राम को लेकर उत्साह था, तो मैंने असम में चुनाव सभा में बोला कि अगले 1 साल में मैं 1 लाख लोगों को राम मंदिर में लेके जाऊंगा दिखाने के लिए, राम मंदिर का दर्शन के लिए। मेरा मानना है उड़ीसा में जो बीजेपी का सरकार बनेगा, हम लोग कम से कम उड़ीसा से 5 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राम मंदिर देखने ले जाना चाहिए। जाना चाहिए कि ना मानो? जाने का मन है कि ना आप लोगों का? जाना है ना सबको? तो ये मैं जब भी मुख्यमंत्री बनेगा, मैं मुख्यमंत्री सरकार बनाते जाएगा। भाई और बहनों, उड़ीसा में अभी अभी हम आया, छत्तीसगढ़ के जो बसे हुए इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैंने आया। लोगों को मैंने पूछा कि जो धान खरीदाई होते हैं उसमें आपको कितना रुपया मिलता है। लोगों ने हमको बोला कि 2,100 रुपया मिलते हैं। मैं फिर लोगों को पूछा कि छत्तीसगढ़ में कितना मिलते हैं। लोगों ने बोला 3,100 रुपया मिलते हैं। आप लोग देखिए, बॉर्डर एक ही है छत्तीसगढ़ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में धान का खरीदारी में छत्तीसगढ़ सरकार कितना रुपया दे रहा है? 2,100 उड़ीसा सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार कितना दे रहा है? 3,100। अभी आप लोग मुझको बताइए, उड़ीसा का जनता को भी धान जब FCI में आप लोग देते हैं, आप लोगों को भी 3,100 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना जाएगा। और उड़ीसा का लोग भी जगन्नाथ दर्शन करने में कोई कष्ट अनुभव नहीं करेगा। इसलिए हम लोग मानते हैं, हमारा जीवन ही जगन्नाथ महाप्रभु को लेके है। हमारा जीवन शुरू होता है जगन्नाथ महाप्रभु को लेके और अंत भी होगा जगन्नाथ महाप्रभु को लेके। इसलिए हम हिंदू हैं, हमारा सभ्यता यही है। इसीलिए जब हमारा सरकार बनेगा, हम लोग सब कुछ करेगा, लेकिन हम लोग ये पूरा हम लोग इंश्योर करेगा कि जो भी जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए आए उनको खुद अपने आप को सारे सुविधा मिले, दर्शन करने का सुविधा भी मिले और उड़ीसा का गरिमा पूरा देश का कोने कोने तक ले जाने का भी उनका सुविधा मिले। भाई और बहनों, ये देश के लिए उड़ीसा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज हम लोग गौरवशाली है कि भारत का राष्ट्रपति महोदया भी उड़ीसा से है। आज एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति बनाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते थे तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से रामनाथ कोविंद जी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से द्रौपदी मुर्मू जी कभी राष्ट्रपति नहीं बनते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का वह मनसा ही नहीं था, लेकिन आज मोदी जी ने देश का सारे प्रदेश को एम्पावर कर रहा है, सारा जाति को एम्पावर कर रहा है और देश को आगे लेके जा रहा है। भाइयों और बहनों, लोकसभा में तो मोदी जी को सीट देना ही है, लेकिन इस बार सिंगल इंजन से काम नहीं चलेगा। उड़ीसा में हमेशा आप लोग लोकसभा में मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद देते हैं, बट इस बार मोदी जी को ये मानना है कि हमें सिंगल इंजन नहीं चाहिए, हमें डबल इंजन का सरकार चाहिए। आपने देगा ना डबल इंजन का सरकार? रेडी है ना सब लोग? कमल का फूल में, कमल का सीन में बटन दबाना है। रेडी है ना आप लोग? भाई और बहनों, राम मंदिर क्या है? पहले जब भी चुनाव होते थे ये कांग्रेस पार्टी हम लोग को पूछते थे, भाई बताओ राम मंदिर का कब उद्घाटन होगा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा। तो हमारे मन में ये था कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा ये राहुल बाबा भी जाएगा, ये हमारा मन में था, इसीलिए वो पूछते थे। लेकिन अभी कांग्रेस लोग नहीं पूछते हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा। मानना है कि 10 जून में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और आप लोग अनुमति देने से शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग भी आएगा और एक साथ मोदी जी का साथ उड़ीसा का विजय उत्सव हम लोग 10 जून को मनाएंगे। यही हमारा उम्मीद है और यही हमारा संकल्प भी है। भाइयों और बहनों, मैंने उड़ीसा का जो चाहिए कि नहीं चाहिए बोलिए, खाली पंडियान को नौकरी मिलने से होगा कि हमारा उड़ीसा का बेटा और बेटी को भी नौकरी मिलना चाहिए? आप बताइए नवीन बाबू, आप बोलिए। आज आपने 50,000 पोस्ट उड़ीसा सरकार में खाली करके रखा है। उड़ीसा का युवा गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है नौकरी के लिए, लेकिन आप सरकार में पोस्ट खाली है, आप जॉब नहीं दे रहे। क्यों? उड़ीसा में संपत्ति का कोई अभाव है क्या? उड़ीसा में कोई संपत्ति का अभाव है क्या? कोई अभाव नहीं है, लेकिन किसका अभाव है? विल पावर का। आपका देने का कुछ मन नहीं है। आज आप क्या कर रहा है? आप की कोई बात नहीं सुन रहा है। एक ही व्यक्ति आपको जो बोल रहा है आप वही सुन रहा है। आप जुबाओं का आवाज सुनना पड़ेगा। अगर जुबाओं का आवाज आप नहीं सुनेगा तो जुबाओं ने बीजेपी का सरकार इस बार जरूर बनाएगा और मोदी जी जुबाओं का साथ न्याय करेगा। भाई और बहनों, हम नरेंद्र सेठी जी को वोट दीजिए, जिताइए। खाली यहाँ में नहीं, पूरा गंजम में जिताइए, पूरा उड़ीसा में जिताइए। हम सब लोग मिल के डबल इंजन सरकार बनाना है। भाई और बहनों, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। मोदी जी 200 सीट पार कर चुका है। हमारा असम में अभी चुनाव कंप्लीट हो गया, बहुत सारा स्टेट में चुनाव कंप्लीट हो गया। दिल्ली में तो मोदी जी का सरकार बनेगा ही बनेगा, लेकिन हमें भुवनेश्वर में भी बीजेपी का सरकार चाहिए। मोदी जी का सरकार भुवनेश्वर में भी चाहिए, सरकार बनाते जाएगा। भाई और बहनों, उड़ीसा में अभी हम आया छत्तीसगढ़ के जो बसे हुए इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से मैंने आया। लोगों को मैंने पूछा कि जो धान खरीदाई होते हैं उसमें आपको कितना रुपया मिलता है। लोगों ने हमको बोला कि 2100 रुपया मिलते हैं। मैं फिर लोगों को पूछा कि छत्तीसगढ़ में कितना मिलते हैं। लोगों ने बोला 3100 रुपया मिलते हैं। आप लोग देखिए, बॉर्डर एक ही है छत्तीसगढ़ उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में धान का खरीदारी में छत्तीसगढ़ सरकार कितना रुपया दे रहा है, 2100 उड़ीसा सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार कितना दे रहा है, 3100। अभी आप लोग मुझको बताइए, उड़ीसा का जनता को भी धान जब एफसीआई में आप लोग देते हैं, आप लोगों को भी 3100 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मिलना। उनको मैं महीना 3000 रुपया पेंशन देने का काम करूंगा। लेकिन आज उड़ीसा में 5 बार नवीन बाबू का सरकार बना, हुआ नहीं कुछ। आज नियुक्ति नहीं हो रहा है, उड़ीसा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। आसाम जैसा प्रदेश में मैंने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज बना दिया, लेकिन उड़ीसा में अभी तक भी हर जिला में मेडिकल कॉलेज नहीं है। आसाम कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है। लेकिन अगर आज आसाम एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना सकता है, आसाम इतना छोटे प्रदेश है। हमारा 23 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, 23 सरकारी मेडिकल कॉलेज है। उड़ीसा में होना चाहिए कि नहीं चाहिए? उड़ीसा में बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा तरक्की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश तरक्की हो रहा है, गुजरात तरक्की हो रहा है, अगर महाराष्ट्र में तरक्की हो रहा है, अगर गुजरात, उड़ीसा और हमारे मध्य प्रदेश सारे बीजेपी का सरकार बनेगा, मोदी जी का डबल इंजिन का सरकार बनेगा, तो हमारा यहाँ भी काम होगा, हमारा यहाँ भी सब कुछ होगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए मौका है, परिवर्तन का मौका है। एक व्यक्ति को लेकर जनता नहीं चल सकता, वो व्यक्ति बुरा हो, अच्छा हो, खराब हो, ये मेरा बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार है, वो सरकार 4 करोड़ उड़ियावासी के लिए होना पड़ेगा। एक परिवार और एक व्यक्ति के लिए होने से काम नहीं चलेगा। भाई और बहनों, मेरा विश्वास है कि आज हमारा उड़ीसा में जो माहौल है, इस माहौल एवं जोटा करी आगामी 5 वर्ष तृतीय स्थान को आने आम मालकानगिरी जिला देखा भारत माता की जय।